नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में फिर से स्वागत है। दोस्तों मैं आज दिखाने वाला हूँ प्यूरीफायर, आरओ प्यूरीफायर। ये देखिए दोस्तों, इसमें पावर ऑन कर दिया मैंने तो इसमें प्यूरीफायर नहीं हो रहा पानी। ये देखिए दोस्तों, इसमें नीचे टैंक फुल का इंडिकेटर है। तो दोस्तों इसका फ्लोट वहाँ से चेक करते हैं कि हम शायद उसमें तो प्रॉब्लम नहीं है। तो ये देखिए दोस्तों, मैं इसे ऊपर करता हूँ, ये देखिए ये वर्क कर रहा है। ये देखिए दोस्तों, टैंक फुल का इंडिकेटर भी दिखाया गया इसमें, ये देखिए, मगर प्यूरीफायर नहीं हो रहा दोस्तों। तो दोस्तों देखते हैं इसमें ओपन करके इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो दोस्तों इसके स्क्रू खोल लेता हूँ मैं। ये देखिए दोस्तों, कॉर्नर पर 4 स्क्रू हैं इसमें, और ये इसका टैंक है। ये देखिए दोस्तों, ये खुल गया। तो दोस्तों ये अभी भी आरो खुलेगा नहीं, इसका टैप भी खोलना पड़ेगा तब खुलेगा ये। तो मैंने सोचा ऑफ कर दिया है, अब इसका टैप खोल लेता हूँ। ये दोस्तों 2000 TDS पे लगा हुआ था, अच्छा वर्क कर रहा था वहाँ पे भी। CSM का मेम्ब्रेन लगाया हुआ है इसमें, अच्छी चलती है। ये देखिए दोस्तों, इसका ये टैब है, बहुत ही सुंदर टैब है इसका। तो दोस्तों वीडियो बनाने में थोड़ी सी अकेले प्रॉब्लम हो रही थी, तो मैंने अकेले आप लोगों को वीडियो बनाया एक हाथ से। ये देखिए मैं दिखाता हूँ अब आपको। ये देखिए दोस्तों, इसके यहाँ पे कनेक्शन हो रखे हैं, और ये है इधर इसका PCB। तो इसको भी चेक करते हैं और इसके कनेक्शन भी चेक करते हैं कि क्या प्रॉब्लम है इसमें। तो दोस्तों ओपन कर लिया मैंने कनेक्शन, अब ये देखिए सारे कनेक्शन ओपन कर लिए हैं। तो अब इसमें चेक करते हैं दोस्तों क्या प्रॉब्लम है। ये देखिए दोस्तों, मैंने चेक किया है अब। ये देखिए फ्लोट वाल्व CV, ये भी ओके है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये देखिए दोस्तों, इसमें दोस्तों PCB में प्रॉब्लम है दोस्तों। ये रेड वाला वायर लगाया है मैंने, तो तब तो ये चल रहा है। तो दोस्तों इसमें से इसका LED बल्ब भी ओके है, तो इसमें LED बल्ब भी डाल दूंगा मैं प्यूरिफिकेशन ऑन का। तो ये देखिए दोस्तों, जैसे मैंने ऑन किया है, देखिए दोस्तों मैंने इसमें बल्ब भी डाल दिया है। ये देखिए दोस्तों, प्यूरीफायर ग्रीन कलर की बत्ती ऑन हो गई है इसमें। तो ये देखिए दोस्तों, मैं फ्लोट वाल्व से ऊपर करके देखता हूँ इसमें कि ऑन होगा या नहीं होगा। तो ये वर्क कर रहा है, देखिए दोस्तों टैंक फुल का इंडिकेटर दिखा रहा है वो फ्लोट वाल्व ऊपर करने पर, ये देखिए। तो दोस्तों इसमें PCB में प्रॉब्लम थी और कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं थी। ये देखिए मैंने अब फिट भी कर दिया है, ये देखिए टैंक फुल इंडिकेटर दिखा रहा है और प्यूरिफिकेशन ऑन। देखिए दोस्तों, टैंक फुल खाली होगा तो प्यूरिफिकेशन ऑन हो ही जाएगा, ये देखिए ऑन है। तो दोस्तों देखिए, मैंने अब ये फाइनली पूरा पैक कर दिया है। ये देखिए दोस्तों, बहुत ही सुंदर लग रहा है आरो दिखने में भी। ये देखिए दोस्तों, मैं चेक करता हूँ इससे फ्लोट वाल से कि पानी भरने पे भी टैंक फुल दिखाएगा नहीं। ये देखिए टैंक फुल दिखा रहा है। तो दोस्तों ज़्यादा बड़ी इसमें प्रॉब्लम नहीं थी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे दोस्तों, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। दोस्तों आरओ से रिलेटेड इस चैनल पर वीडियो आती रहती है दोस्तों, डालता रहता हूँ मैं वीडियो। ये देखिए दोस्तों, प्रॉपर वर्क कर रहा है ये अब। तो दोस्तों मैंने इसमें स्क्रू सारे कस दिए हैं। ये देखिए दोस्तों, इसका ये ढक्कन है, ये भी लगा देता हूँ मैं। ये देखिए, ये भी इजीली ऐसे फिट हो गया। तो इसमें दोस्तों मैं अब टैब कसता हूँ इसमें। ये देखिए दोस्तों, इसका ये टैब है, ऐसे लगाना होगा ये। ये देखिए दोस्तों, इस तरीके से लगेगा। इसको ओपन कर लेता हूँ मैं, तब लगेगा। आई होप दोस्तों आपको पूरा कनेक्शन दोस्तों समझ में आया होगा। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे दोस्तों, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद, वंदे मातरम।